अगली बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आज से छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं परीक्षा शुरू हो गई है। बता दें कि करीब 2,93,000 छात्र परीक्षा देंगे, जहां सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक ही परीक्षाएं होगी। तो वहीं 12वीं का पहला पेपर हिंदी का होगा। कल से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर आज से छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। करीब 2,93,000 छात्र परीक्षा देंगे, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक ये परीक्षा होगी। इस वक्त और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी जुड़ चुकी है। आकांक्षा, 2 साल कोरोना के बाद आज पहली बार ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है, 12वीं की परीक्षा, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आज 12वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हुई है। अभी कुछ ही देर में ये परीक्षा जो है कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 9 लगभग बज चुका है। 9 बजे से लगभग 12:15 बजे तक परीक्षा का संचालन होगा। इस पूरी परीक्षा के लिए व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो प्रदेश भर में 6,700 से अधिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं इस बार 12वीं कक्षा के लिए 2,93,000 से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। विशेष व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जिन स्कूलों में ही बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उन्हीं स्कूलों को ही केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा संक्रमित बच्चा भी है यदि कोई, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। संक्रमित विद्यार्थी भी क्षेत्र में बैठ करके परिसर में बैठ करके परीक्षा दे सकेगा, ये व्यवस्था भी की गई है। वहीं यूनिफॉर्म को लेकर के भी ये व्यवस्था की गई है कि जो बच्चा है वो सिविल ड्रेस में भी परीक्षा दे जा सकता है, यानी कि यूनिफॉर्म की बाध्यता जो है वो पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई है। कुल मिलाकर के बच्चों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और कोरोना है ऐसे में सुरक्षित तरीके से परीक्षा में दे सके, इसकी व्यवस्था कराई गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां आज से छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। बता दें कि करीब 2,93,000 छात्र परीक्षा देंगे, सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक ये परीक्षा होगी, जहां पर 12वीं का पहला पेपर हिंदी का होगा।